नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से नई वीडियो में। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि बहुत लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ट्रेन का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन जब अगर कंफर्म सीट मिल जाए तब तो कोई परेशानी नहीं। अगर वो हमें वेटिंग या RAC मिल जाती है तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती। तो इस वीडियो में वही बताऊंगा कि RAC टिकट जो है उस पर क्या हम ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यूअर मुझसे ये पूछ रहे थे कि RAC टिकट में हम ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं। तो मैं इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि RAC का फुल फॉर्म होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। तो जैसे ही कोई टिकट, अगर कोई भी कंफर्म पर्सन अपनी टिकट कैंसिल करता है, यानी कि वो खुद की टिकट कैंसिल करेगा, तो जो RAC 1 वाला होगा उसको कंफर्म सीट मिल जाएगी। और इन केस अगर आपकी मतलब कोई भी पर्सन कैंसिल नहीं करता या थोड़े पर्सन कैंसिल करते हैं, अगर आपकी RAC मान लीजिए 125 है और अगर वो कंफर्म नहीं हो पाती है, तो इस केस में भी आपको सीट मिलेगी, लेकिन वो आपको हाफ सीट मिलेगी। आप सिर्फ आधी सीट के हकदार होंगे और आधी सीट पे कोई और दूसरा पर्सन बैठ के जाएगा, जो कि साइड लोअर होती है, विंडो साइड में जो साइड लोअर होती है वहाँ पे आपको एक दो पर्सन को एडजस्ट करके जाना पड़ेगा, आपको पूरी सीट नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आपको पूरी सीट चाहिए, इसके ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, वो भी आप मतलब डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। अगर कोई भी जानकारी, कोई भी सवाल हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो, और किसी तरह की जानकारी चाहिए होगी तो वो भी पूछ सकते हो। तो मैं बता दूं कि जो RAC होती है वो तो 100% कन्फर्म ही होती है। इन केस बाय चांस अगर आपने स्टेशन वाली RAC ली है या मतलब किसी एजेंट से RAC ली है, इन केस बाय चांस कभी मिस्टेकन अगर वो कंफर्म नहीं हो पाती, तो आप उस टिकट पे अगर आपने दुकान से ली है तो वो उस पर आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, वो 100% कैंसिल हो जाएगी और आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने वहाँ मतलब स्टेशन से ली है तो उसमें आप ट्रैवल कर सकते हो, नॉर्मल वाली जो होती है उस पर नहीं। वैसे आज तक जितनी भी टिकटें बनी हैं, RAC बहुत कम चांस होता है, 0.1% चांस होता है कि वो कन्फर्म ना हो, 100% चांस होता है कि वो कन्फर्म हो जाए। जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।